शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम दक्षिणे काल के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के पराक्रमी योद्धा परमवीर अर्जुन का वंशज, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन उनके पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सिंह तोमर उनका वंशज, और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की मैं 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में माँ काली भवानी आदिशक्ति योग माया योग निद्रा जो हमारी कुलदेवी हैं, आज मैं उनके अष्टक का यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। तो इसे कालिकाष्टक कहा जाता है, ये महाकाली का कालिकाष्टक है। ये हमारी योग माया योग निद्रा जो कुलदेवी हैं उन्हीं का स्वरूप है काली, तो ये काली का ये कालिकाष्टक है। तो जिस काली माता के गले की मुंडमाला से खून की धारा गिरती रहती है, उनकी उपासना में ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देव भी सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी देवी का ध्यान करके जो भी प्राणी इस कालिकाष्टक का पाठ करता है या इसे सुनता है उसके घर में अष्ट सिद्धियों का पूर्ण निवास होता है, ऐसा इसकी फलश्रुति में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक हर प्रकार के सुख समृद्धि वैभव धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के उपरांत उस प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे पूर्णतः मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये कालिकाष्टक है माँ महाकाली का, माँ योग माया योग माता योग निद्रा जो हमारी कुलदेवी हैं उन्हीं का एक स्वरूप है माँ महाकाली। तो ये माँ महाकाली का कालिकाष्टक मैं यहाँ अपने स्वर में उच्चारण कर रहा हूँ। ये उसी अर्जुन का स्वर है जो महाभारत के मैदान में गूंजा था, उसी का ये अंश और वंश। मैं नरेंद्र सिंह तोमर अपने स्वर में इसे यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। जय मामा महाकाली, जय काली भवानी, जय जय काली, जय जय भवानी। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणे काल के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। गलद रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर रावा सुदैष्ट्रा कराला विवस्त्रा शमशान लया मुक्त केशी महाकाल कामा कुलाकालिकेयम् भुजे वाम युग्मे विरोऽसि दधाना वरम दक्ष युग्मे अभवम् यै तथैव। सुमद्यापि तुंग स्तनाभारनम्रा लसद्रक्त स्रक्त द्व्या
सुस्मितास्याया शवद्वंदकर्णा वतसा सुकेशी लसत प्रेतपाणी प्रयुक्तेक कांची शवाकार मंचाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरंच्या दिदेवास्त्रयन्ते गुणार्त्रीन समाराद्रिकाले प्रदाना बभूव अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तुणाग्वादिनीयं सुहृत पोषिणी शत्रु संघारणीयं वचस्तंभनीयं शत्रु संघारणीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनःकल्पवल्ली मनोर्जास्तु कामान यथार्थं प्रकुर्यात् कथाते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा सुरापानमक्ते सुभक्ता भुरूके लसतपूतचित्ते सदा विर्ववस्ते जप ध्यान पूजा सुधाधौतपंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा चिदानन्दकन्दं हसनमन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभुपुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदयदोत्यमानं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा महामेघकाली सुरक्ता अपि शुभ्रा कदाचिद् विचित्रा कृतिर्योग माया न बाला न वृद्धा न कामानुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा क्षमा स्वापराधं महागुप्त भावं मया लोक मध्ये प्रकाशीकृत यत् तव ध्यान पूतेन चापल्य भावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा यदि ध्यानयुक्तर् पठेदियो मनुष्यस्तदा यदि ध्यानयुक्तं पठेदियो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालं भवेच भवानी यदि ध्यानयुक्तं पठेदियो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच भवानी सर्वलोके विशालो भवेच भवानी ग्रहे चाष्ट सिद्धि मृते चापि मुक्त स्वरूपं तुदीयं न विन्दन्ति देवा ग्रहे चाष्ट सिद्धि मृते चापि मुक्त स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा ॐ Thank you.
में।